वादी के अधिवक्ता द्वारा ध्यान आकृष्ट कराया गया कि चूना तत्काल कराया गया है दीवारों पे, दीवारों पर छत पर भी है तत्काल कराया गया है। और अब वो हम ये नहीं एग्जामिन करेंगे किस वजह से है, क्या ध्यान आकृष्ट कराना है। हम ये देख रहे हैं ये जो पूंछी के निशान है आनंद फरन में, हाँ आनंद फरन और प्रतिवादी संख्या। सर्वे टीम ने जब दीवारों पर की गई रंगाई को ध्यान से देखा तो दीवारों से बहता हुआ चूना भी रिकॉर्ड किया गया। इसके अलावा सर्वे टीम के कपड़ों तक चूने में रंग गए थे। ज्ञान वापी पर रिसर्च करने वाले लोग भी मानते हैं कि ज्ञान वापी में मंदिर के सबूत मिटाने की वक्त वक्त पर कोशिश की जाती रही है। आशंका केवल नहीं है, ये प्रमाणित आशंका है क्योंकि पहले भी कई बार किया गया है। यदि कोई स्ट्रक्चर एक खास तरह से बना हुआ है जो हिंदू आर्किटेक्चर में है और 20 साल बाद देखें तो बदल गया, तो उसके साथ छेड़छाड़ तो की गई, उसका रूप तो बदला गया, तभी तो बदल गया। और क्या यही एक है, चले जाइए अहमदाबाद में सीधे, चले जाइए ढाई दिन के झोपड़ा वाला जयपुर और वहाँ चले जाइए, वहाँ पूरा का पूरा स्ट्रक्चर जहाँ बदला है वो है और ASI के द्वारा सीधे गवर्नमेंट कंट्रोल हो गया, वो यूज में नहीं है मस्जिद, इसलिए ज्यों के त्यों प्रमाण पत्र यहाँ चूंकि यूज कराया गया, राजनीति में कराया गया, इसलिए सारी छेड़खानी हुई। वैसे ज्ञान वापी के गुंबद में ऐसा सबूत सिर्फ एक जगह से नहीं मिला बल्कि दूसरे गुंबद के ऐसा कंस्ट्रक्शन भी नजर आया जो बाद में बनाया गया मालूम पड़ता है। आरोप है कि इसे भी रंग रोगन करके सर्वे टीम से छपाने की कोशिश की गई, मगर कैमरों की तेज रोशनी में ऐसी कई बातें दिखाई दी जो ज्ञान वापी पर मुस्लिम पक्ष के दावों को खारिज करती है। क्योंकि धरन पत्थर है, धरने काफी पुरानी पुरानी है, धरने पटिया है, इसको जो आकार है पत्थर का आकार कितना दूर है यहाँ से बनावा, ये बताएं ये दीवार कहाँ पे है, कितने फीट पे है, ये जो ध्यान आकृष्ट करा रहे हैं 7 फीट होगा, 7 फीट होगा, 7 फीट होगा। प्लास्टर करके चूना ऊपर से प्लास्टर किया गया है पत्थर को, प्लास्टर नहीं किया गया था या नहीं है, नहीं है आज प्रेजेंट नहीं है, बाकी इस पर नहीं है, यहाँ प्लास्टर है, प्लास्टर है ऊपर, प्लास्टर है देख रहे भाई, चूना प्लास्टर भी है, चूना भी है, प्लास्टर चूना दोनों है, बीच में चूना भी है, चूना तत्काल गुंबद के अलावा भी ज्ञान वापी परिसर में कई ऐसे सबूत मिले हैं जो बार बार सवाल पैदा कर रहा है कि क्या वाकई में ये मंदिर के वही अवशेष हैं जिन्हें साल दर साल छिपाने की कोशिश की जाती रही है। मौके पर मौजूद हिंदू पक्षकार बार बार इस सवाल के साथ तहखाने की दीवारों से लेकर मीनारों तक में सबूत तलाश रहे हैं। दूसरी तरफ सर्वे टीम ने भी वो तमाम सबूत इकट्ठा किए जो पूरे एक साल बाद आप न्यूज नेशन पर देख पा रहे हैं। ऐसे में सवाल बड़ा है कि क्या इन साक्ष्यों को दरकिनार किया जा सकता है, और अगर मुस्लिम पक्ष इन दावों को खारिज करता है तो क्या उनके पास इस बात का सबूत है कि ज्ञान वापी की दीवारों पर उर्दू या अरबी के बजाय संस्कृत के श्लोक क्यों लिखे हैं। वाराणसी से सुशांत मुखर्जी के साथ टीम न्यूज नेशन। आपने वो सबूत देखे जो लगातार ये गवाही दे रहे हैं कि किस तरह से एक मंदिर के स्ट्रक्चर के ऊपर ये मस्जिद बनाई गई, और ये रिपोर्ट ये भी कहती है कि जो आज गुंबद नजर आ रहे हैं दरअसल ये कई मंडपों के ऊपर बने हैं और जो हिंदू मंदिर होते हैं उनकी चोटियों के ऊपर ये गुंबद एक्स्ट्रा बनाए गए हैं, एड ऑन के तौर पर बनाए गए हैं। संतोष साहब मेरे साथ लगातार जुड़े हुए, संतोष जी आप अंदर गए, आप देखकर आए, आपने उस स्ट्रक्चर को करीब से देखा भी है, मुझे ये बताइए अगर आपने गुंबदों को देखा हो तो जिस तरह की बातें निकलकर सामने आई, जिस तरह की तस्वीरें हमने दिखाई, क्या इस तरह का ही स्ट्रक्चर है? पहले तो न्यूज नेशन की टीम को मैं धन्यवाद दूंगा कि आज आपके माध्यम से जिन सबूतों को हमने वहां देखा था आज पूरी दुनिया को आप दिखा रहे हैं, और स्पष्ट तौर पे कहूँ जब मैं वहाँ मौजूद था तो एकदम ये उसी तरह है मंदिर के मंडप के ऊपर टोपी पहना दी गई हो और उसको नाम दे दिया गया हो इस्लामिक गुंबद का। वहाँ पर जिस समय हम लोग पहुँचे हैं
पूरा स्ट्रक्चर अंदर से पेंटों से जो पोता गया था, हम लोग के कपड़े खराब हो जा रहे थे और एकदम ताज़ा ताज़ा किया गया था। और यही नहीं, जहां तक मेरी जानकारी में है, आज भी नमाजी जो नमाज के नाम पर वहां जाते हैं, हमारे हिंदू सबूतों को नष्ट करने का काम करते हैं। संतोष जी, आप कह रहे थे कि जब आप पहुंचे वहां पर सर्वे के लिए, तो उससे कुछ घंटे पहले वहां पर पुताई कर दी गई थी, सबूतों को मिटाने की कोशिश की गई थी कुछ ही घंटे पहले, स्पेशल कोर्ट कमिश्नर की लीडरशिप में होने वाले सर्वे से पहले एकदम गीली पुताई थी, बिल्कुल। अपने एडवोकेट कमिश्नर को भी हम लोगों ने बताया कि ये ताजा है, हाथों में लग जाता था, कपड़ों में लग जाता था। और ये यहाँ तक नहीं, आज के तारीख में भी नमाज के नाम पर अंदर जाने वाले नमाजी हिंदू सबूतों को मिटाने का काम कर रहे हैं। और मैं स्पष्ट तौर पे कह रहा हूँ, वो पूरा परिसर सिर्फ हम सनातनी हिंदुओं का प्रतीक चिन्ह ही तो है उसके अंदर। और साहब, आपके मुस्कुराने की कोई खास वजह? संतोष जी एक गंभीर आरोप लगा रहे हैं, अपने अनुभव को साझा कर रहे हैं, आप मुस्कुरा रहे हैं सर, मुस्कुराने की कोई खास वजह शम्स ख्वाजा साहब? जी बिल्कुल, मेरे मुस्कुराने की दो खास वजह आरोप है। जरा ये भाई अगर सुन ले, घर में घुस करके नमाज पढ़ के, नंबर एक कि वो लोग कह रहे हैं कि सनातन धर्म पर नमाज पढ़ के ये हो रहा है, वो हो रहा है, जिन्होंने हजारों जो बोल बौद्ध और जैन मंदिरों को नष्ट करके उस पर ब्राह्मण मंदिर बनाए हैं, ये इतिहास है और ये शिवाइट स्कॉलर्स का, हिंदू स्कॉलर्स का लिखा हुआ है। दूसरा मेरे मुस्कुराने की वजह यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने इतनी तकलीफ उठाई कि इसको ASI को इन्वेस्टिगेट करने दें और सब लोग खोज में लगे हुए हैं कि हाँ मंदिर था नहीं था। हम तो बचपन से सुनते आए हैं और हमारा ये मानना है कि भाई यहाँ तो मंदिर था, मंदिर तोड़ के ही तो मस्जिद बनाई है। ये तो हिंदुस्तान की तारीख की परंपरा अनफॉर्चुनेटली रही है, सैकड़ों बौद्ध और जैन मंदिरों को तोड़ के पारुल खेड़ा तो उन्होंने बनाया, उनकी आस्था को किया मलिया में, सामान्य चीज है, और मस्जिद मस्जिदें बनाई गई हैं, मंदिर मान रहे हैं कि ये मंदिर को तोड़ बनाए गए हैं, कहां से आते हैं पारुल खेड़ा इतनी तकलीफ करके ये पक्ष निकाल रहे हो, ये तत्व दे रहे हो, ये तो मालूम है हमें बचपन से। राजा साहब सुन लेते हैं, मंदिर को सुन लेते हैं, पारुल खेड़ा है इसमें क्या बात है, पारुल खेड़ा नहीं है, ट्राइंग टू प्रूव व्हिच इज ऑलरेडी देयर प्रूवन। आप ज्ञानवादी की बात नहीं कर रहे, आप जैनी और बौद्ध मंदिर पे आ गए, वो अपनी लड़ाई खुद लड़ लेंगे, आप इस टॉपिक पे रहिए ना, आप खुद अच्छा, अपने हर कमेंट में बताया, हिंदू शिवाइट स्कॉलर्स का लिखा हुआ इतिहास आपको पता रखना चाहिए। 570 AD से जैनियों के बौद्धों के मंदिरों को तोड़ने का कारोबार भी क्यों हो रही है सर? बात तो ज्ञानवादी की हो रही है, मैं तीनों आप लोगों को बढ़ाकर रखूंगा, मैं आप तीनों मेरे साथ बने रहिए, आप तीनों मेरे साथ बने रहिए, श्याम साहब आप भी, संतोष जी आप भी, पारुल जी आप भी। लेकिन साफ बात तो है, अगर गलती वहां हुई है तो गलती फिर इसको यहां स्वीकार लेना चाहिए। सफेद और लाल रंग के पत्थरों की इमारत ज्ञानवापी अगर सबसे बड़े विवादों का अखाड़ा है तो इसके तहखाने और परिसर किसी अभियुज पहेली से कम नहीं है। जी हां, ज्ञानवापी के सीने में दफन एक 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 तस्वीर से न्यूज नेशन लगातार आपको रूबरू करा रहा है। टीवी पर पहली बार आप सिलसिलेवार तरीके से देख रहे हैं ज्ञानवापी की अनदेखी तस्वीरों की पूरी रीत। अब कड़ी इस कड़ी में आप देखेंगे वो साक्ष्य जो मिटने के बाद भी अपनी मौजूदगी के सबूत दे रहे हैं, और दावा यह किया गया है कि साक्ष्य ही ज्ञानवापी के मंदिर होने की गवाही भी दे रहे हैं। महादेव के नंदी, आदिशक्ति का बाग, सनातन चिन्ह स्वास्थ्य, स्तंभों की घंटी जैसी कलाकृति, मंदिर जैसी दीवारों की संरचना, त्रिशूल, पान, पीपल, यकीनन एक साथ इतने प्रमाण देखकर आपको कोई मंदिर होने का एहसास हो, लेकिन यह है काशी विश्वनाथ परिसर में मौजूद ज्ञानवापी का वो सत्य जिसे मुगल बादशाह
औरंगजेब ने मिटाना चाहा। मगर आज भी ज्ञानवापी के अंदर कई साक्ष्य आप देखने जा रहे हैं, जिनके बारे में ये दावा किया जा रहा है कि सैकड़ों साल पहले इन सच को मिटाने की कोशिश की गई होगी। न्यूज स्टेशन पर ज्ञानवापी का सच, मूर्ति के निशान, मंदिर का प्रमाण, तो क्या वाकई ज्ञानवापी एक मंदिर ही है? क्या इस सर्वे में जो सारे सच परत दर परत खुलते जा रहे हैं, न्यूज नेशन आपको ज्ञानवापी में मई 2022 में हुए सर्वे की संपूर्ण रील दिखा रहा है। ये रील बताती है कि सर्वे की टीम को इस तहखाने में जो कुछ दिखा उसे देखकर ठिठक गई थी। टीम के सदस्यों का दावा है कि यहां कभी मूर्ति रही होगी जिसे खंडित कर दिया गया होगा, बावजूद इसके निशान अभी कायम है। एक बार में यह तस्वीर देखने में लगता है कि मूर्ति को किसी ने छेनी हथौड़े से खुद हटाया गया। ये खुद नहीं मिटी, क्योंकि इस स्तंभ में मूर्ति तो हटा दी गई, मगर उभरी हुई आकृति कहती है कि यहां कभी कोई स्ट्रक्चर रहा होगा। ज्ञानवापी के तहखाने में मूर्ति होने के संकेत मिलने के बाद अब ये सस्पेंस और गहराने लगा है, यहां और कौन से राज दफन है। इसको आप लीजिए सर। ले लिया। अरे कौन आ रहा है? पूरा एकदम मूर्ति को एकदम एकदम कमरा वाला लगा दीजिए। कौन है भाई? भी लग रही है। सुनिए, कोई जरूरत नहीं, घंटियों की संख्या लिख लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8। न्यूज नेशन पर ज्ञानवापी का सच, क्यों तहखाने के दरवाजे बंद हुए? यहाँ की दीवारें ऐसी हैं जिन्हें पहली नजर में देखकर लगता है कि इनका निर्माण एक साथ नहीं हुआ। यहाँ पर कुछ दीवारें ईंट सीमेंट की हैं, तो कुछ प्राचीन ढांचा है, यानी इस स्ट्रक्चर में दो युगों के अवशेष नजर आते हैं। लेकिन सर्वे टीम तब चौंक जाती है जब तहखानों के अंदर कई दरवाजों के आगे दीवार खड़ी कर दी गई और रास्ते को हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। इधर लिखिए, ध्यान आकृष्ट कराने वादी के अधिवक्ता की यहाँ एक दीवार दीवार थी, उसको क्यों नहीं बंद? पीछे 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 दरवाजा है, बताइए। दरवाजा है, दीवार अभी कायम है, पहले दरवाजा था। जी जी जी, साफ प्रतीत हो रहा, फोटो खींचिए। तहखाने में एक नहीं बल्कि चार दरवाजे ऐसे मिले जिन्हें दीवार की शक्ल देकर हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। इस निर्माण को देखकर ऐसा नहीं लगता कि ये सैकड़ों साल पहले बनी हो। कमरे में बनी दीवारों को खुरचने की निशान दिखाई दिए। देखिए कैसे पत्थरों से बनी कमरे की दीवारों के ऊपर सीमेंट बालू के प्लास्टर चढ़ाकर उस पर पेंट कर दिया गया, लाल पत्थर को छिपाने की कोशिश। कमरे की छत में एक आयताकार जगह नजर आई। पूरे कमरे की दीवारों को पेंट से ताजा ताजा रंगा गया था, जबकि दीवारों का ऊपरी हिस्से में पत्थर साफ नजर आ रहे हैं। सर्वे टीम के कैमरे में कैद कमरे की दीवार को देखिए, 7 फीट ऊपर साफ साफ पत्थर की दीवार नजर आ रही है जिसे प्लास्टर से ढकने की कोशिश की गई। लाइट लगा के रखिएगा, न्यूज नेशन पर ज्ञानवापी का सच, बाउंड्री पर कई कलाकृतियां गायब। तहखाने के साथ साथ बाउंड्री वॉल के पास जैसे ही सर्वे टीम पहुंचती है तो टीमों को कलाकृतियों की ये दीवार दिखी। इसमें पान की कलाकृतियों की लड़ी बीच ये गायब दिखी। वक्त की मार से ऐसा हुआ या फिर कलाकृतियों को हटाया जा रहा था, ये तो राज है। मगर सर्वे टीम ने जो देखा उसे हूबहू नोट कर लिया। इतना ही नहीं, दीवारों पर सर्वे करने पहुंची टीम को
यहाँ पाली भाषा में भी कुछ लिखा हुआ मिलता है। देखिए दीवारों पर यहाँ पाली भाषा में लिखावट को, इसका एक हिस्सा यहाँ से गायब है। माना जा रहा है कि निर्माण में श्लोक वाली शिलाओं के एक हिस्से का ही इस्तेमाल किया गया। और वहाँ पे देखिए वो कौन सी भाषा लिखा है, पाली भाषा लिखा होगा।